दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यहाँ पर वन प्लस नोट के यहाँ पर नए फोन दो फोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पर यूरोप में लॉन्च हो चुके हैं और यहाँ पर ये इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे, कब तक आएंगे और किस प्राइस पे आएंगे, पूरी डिटेल मैं यहाँ पर अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर वीडियो जो आ रही है वीडियो की क्वालिटी वो कैसी आ रही है और वॉइस यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है या नहीं है, यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट दिखा या नहीं दिखा या डाउनग्रेड है, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पिछली वीडियो से तो यहाँ पर मतलब पुरानी जो वीडियोज़ है हमारी उन्हीं वीडियो से देखकर एक बार जरूर बताइए क्योंकि मुझे आपका फीडबैक चाहिए इसी पे। तो दोस्तों आप जी मैं आपको इन्हीं फोन्स के बारे में बताने वाला हूं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर नोड एंड 10 5G की, जो कि यहाँ पर 5G के साथ में आया है। और यहाँ पर दोस्तों इसके क्या स्पेसिफिकेशन से ये यहाँ पर देखा जाए तो वन प्लस नोड है उससे थोड़ा सा डाउनग्रेड है। कैसे? आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलेगी वो यहाँ पर 6.4 इंचेस की FSD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर 19Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। लेकिन यहाँ पर ये LCD पैनल है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउनग्रेड है, वहाँ पर AMOLED पैनल था। और आपको यहाँ पर जो प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगी यहाँ पर इसी फ़ोन की। और यहाँ पर दोस्तों बताएं तो हम यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट है वो भी रियर माउंटेड है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। और वहीं बात करें दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलेगा लेकिन यहाँ पर है 5G प्रोसेसर, वो है यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 690G जो कि यहाँ पर 5G इनेबल्ड है और आपको यहाँ पर एक तरह से 5G टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो 765G है उससे थोड़ा सा डाउनग्रेड है, जो 600 सीरीज़ है उसका नया यहाँ पर एक वर्जन हो जाता है ये 5G के साथ में। और वहीं बात करें दोस्तों हम यहाँ पर इसके जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रैम और रोम टाइप वो मिलेगा आपको यहाँ आपको 6GB और 128GB जो रैम का टाइप है वो है LPDDR4X रैम और स्टोरेज टाइप है UFS 2.1 का। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है। और वहीं बात करें बैटरी की तो बैटरी आपको यहाँ पर 4300 mAh की देखने को मिलेगी और आपको 30W का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। और आपको 3.5 mm जैक ऑक्सीजन OS यहाँ पर 10.5 के साथ एंड्रॉइड 10 भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और वहीं बात करें हम यहाँ पर इसके जो कैमरा क्वालिटी है उसी की तो कैमरे में आपको यहाँ पर क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पर 64MP का मेन प्राइमरी, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, 2MP का मोनो। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आपको पता ही है क्या क्या यहाँ पर कौन से कैमरे काम के हैं कौन से बिना काम के। सेल्फी भी यहाँ पर आपको 16MP की देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर इसकी यूरोपियन प्राइस को यहाँ पर इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आपको ये 30,000 के बजट में देखने को मिलेगा, मतलब 30,000 थोड़ा सा ज़्यादा यूरोपियन प्राइस से। जब इंडियन प्राइस में लॉन्च होता है तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा मतलब डाउन ही होता है। लेकिन यहाँ इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं होगा ये बताने वाला हूँ अगली मतलब इसी वीडियो में आगे के पॉइंट में, जहाँ उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वन प्लस नोट एंड 100 की, जहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो है 6.52 इंचेस का ओनली 720p रिजोल्यूशन के साथ में HD+ डिस्प्ले जो कि LCD पैनल के साथ में आता है। और आपको दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, प्लास्टिक बैक है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर है जो कि यहाँ पर नया प्रोसेसर है 4 सीरीज़ में वाला स्नैपड्रैगन की 4 सीरीज़ में। और आपको यहाँ पर जो रैम टाइप है वो है यहाँ पर 4GB का 64GB LPDDR4X UFS 2.1, ये सारी चीज़ें। और वहीं बात करें बैटरी की, बैटरी में यहाँ पर ज़रूर अपग्रेड है जो है 5000 mAh की, यहाँ पर चार्जर है 18W का इसी हिसाब से। तो कैमरा आपको यहाँ पर मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा वो है 13MP का, सेकंड कैमरा है यहाँ पर 2MP का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पर आपको पता ही है कितने काम के यार, मतलब क्या है फ़ायदा गिनती बढ़ाने से। और आपको यहाँ पर 8MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है लेकिन यहाँ पर ये 5G के साथ में नहीं आता है। दोस्तों मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपको बता दूँ ये ओनली 4G के साथ में आएगा, ये 5G के साथ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर इसकी जो प्राइस है यूरोपियन प्राइस उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर वो प्राइस आएगी यहाँ पर 17,000 रुपये की। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन इंडिया में सस्ता आएगा ये गारंटी है। लेकिन यहाँ पर अब बात करते हैं कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन यहाँ पर इंडिया में आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो N100 है वो तो यहाँ पर इंडिया में आएगा डेफिनेटली कंफर्म्ड है, लेकिन यहाँ पर जो N10 5G है वो यहाँ पर इंडिया में नहीं आएगा। यहाँ पर रूमर्स के हिसाब से सारी चीज़ें के हिसाब से मैं कंफर्म्ड हूँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे जिस हिसाब से मुझे पता चला है ना जो सोर्सेज है उनसे यहाँ पर पता चला है कि N10 5G यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है दूसरा फ़ोन आ जाए, लेकिन इसी जो स्पेसिफिकेशन से ये सारी चीज़ें इनके हिसाब से दूसरी ब्रांड्स यहाँ पर ला सकते हैं, ओप्पो वीवो वन प्लस का तो फोन ही है, और ब्रांड्स यहाँ पर काम कर सकते हैं इसी के बिहाव पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कमाल करता है और ब्रांड्स इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर जो N10 100 है वो तो यहाँ पर आपको नवंबर के एंड में देखने को मिल जाएगा, 10,000 के अंदर आता है तो काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल के आता है यहाँ पर इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पहले आने तो यहाँ पर किस स्पेसिफिकेशन से चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए, थोड़ा सा सराउंड आ रहा है ना चिड़िया का, तो यार इसी वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बार आप मुझे कमेंट में बताइए वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर है या नहीं है अच्छी सी, आपको कुछ डाउनग्रेड है अपग्रेड है जो भी अपडेट है ना यार कमेंट में बताओ। आपके यहाँ पर
जो फीडबैक है उसी से हिसाब से मैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।